So we are looking at the next lecture for Sainik School entrance exam for 6th standard. Okay. Now let's look at this question. The average age of a woman and her daughter is 25 years. तो वुमेन का एज लेते हैं W, डॉटर का D, इनका एवरेज हुआ 25, तो उनके एज का सम कितना हुआ 25 इंटू 250, ये 2 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो सम ऑफ द एजेस आ गया, सम ऑफ एजेस ऑफ वुमेन एंड डॉटर, ठीक है, रेशियो ऑफ द एजेस इज 7:3, कितने पार्ट किए 10, तो 50 के 10 पार्ट 50/10, एक पार्ट 5, ठीक है, तो वुमेन को 7 पार्ट गए, 7 × 5 = 35, इसको 3 पार्ट गए, 5 × 3 = 15, ओके, तो उनका जो एज है वो है वुमेन का 35 और डॉटर का 15. क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 9 इयर्स, 9 साल के बाद वुमेन का एज कितना होगा 44, डॉटर का 24, कैसे 15 + 9 = 35 + 9, तो उनके एजेस का रेशियो 44/24, 4 × 6 = 4 × 11 = 11:6, ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, X can complete a piece of work in 30 hours and Y can complete it in 24 hours. In how many hours will it be completed the work together? ठीक है, तो इसका टेबल कैसे बनता है, X, ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क अलोन एंड इसमें टाइम मतलब आवर्स है, ठीक है, एंड वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर, तो एक्स को कितना टाइम लग रहा है काम कंप्लीट करने के लिए 30 आवर्स, तो एक घंटे में कितना काम करेगा वो 1/30th ऑफ द वर्क, वाई को कितना टाइम लग रहा है 24 आवर्स, एक घंटे में कितना कंप्लीट करेगा 1/24, तो जब दोनों साथ में काम करेंगे x एंड y, तो वो लोग एक घंटे में कितना काम कंप्लीट करेंगे 1/30 + 1/24, ठीक है, 24 और 30 का एलसीएम है 120, ठीक है, तो 30 को 120 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 9/120, तो कितना टाइम कितना लगेगा उनको, इसका रेसिप्रोकल 120/9 मतलब 3 × 40 3 × 3, ठीक है, तो 13 × 39 13.33, 13 वाला एक ही ऑप्शन है, 13.33 आंसर है, 13.33 कैसे आया चेक कर लेते हैं, 40/3, 3 × 1 = 3, 10, 3 × 3 = 9, 10.3, 3 × 9, 10, 13.33, ठीक है, नेक्स्ट, इन अ पार्क देर आर 10 रोज एंड 12 कॉलम्स ऑफ मैंगो ट्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज इज 2 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क, द लेंथ ऑफ द पार्क इज, 10 रो है, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, रो 10 एंड 12 कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं उसको रेड में ड्रॉ कर लेते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12. Distance between 2 trees, 12 columns of mango trees. ये mango tree के column है, लाल वाले जो है mango tree के column है, ठीक है ना,
द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इज 2 मीटर्स, तो ये हुआ आपका 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो 2 मीटर वाले 11 है, तो C1 टू C12 कितना हुआ, 2 × 11 मतलब 22। एंड डिस्टेंस ऑफ मर्मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क, ओके। तो सारे जो साइड्स है उससे 1 मीटर अगर जगह छोड़ दिया, ठीक है, जगह छोड़ दिया 1 मीटर, ओके, सारे साइड से। सो लेंथ ऑफ द पार्क इज, तो अभी इसमें लॉजिक देखो कैसा है। ये क्वेश्चन का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऐसा है कि जो इसका विड्थ दिख रहा है, जो रेड वाले दिख रहे हैं, ये है एक्चुअली इसका लेंथ। क्यों? क्योंकि रोज जो है वो 10 ही है, ओके। देखो ये दो रो में भी 2 मीटर जगह छोड़ा है, लेकिन ये 10 ही है, ओके। लेकिन यहाँ पे 12 है, तो 12 कॉलम है, ओके। 12 कॉलम में 11 जगह मिली हमें। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये जो 11 जगह मिली हर जगह 2 मीटर की है, इसलिए ये 22 मीटर्स हो गया C1 और C12 के बीच का जगह। C1 के लेफ्ट में 1 मीटर, C12 के राइट में 1 मीटर, इसलिए टोटल उसका विड्थ हुआ 24 मीटर, जो ऑब्वियसली ब्लू वाले डिस्टेंस से बड़ा है, तो इसलिए वो है उसका लेंथ, ओके। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। कोई तो दो नंबर है, ठीक है, जिनका सम है 40, मतलब एक नंबर अगर ए है और दूसरा बी है, ओके, तो ये है इनका सम 40 और उनका डिफरेंस है 4, मतलब ए माइनस बी है 4, ओके, फाइन। तो दो नंबर अपने को ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम है 40 और जिनका डिफरेंस है 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, अभी ये ऑब्वियस है कि ये दोनों नंबर 20 के आसपास होंगे, ओके, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा, दोनों नंबर 20 के आसपास होंगे, ओके। तो अगर 20 के आसपास होंगे तो हम लोग ये रेशियोज जो है 11:9, 11:7, ये सारे रेशियोज का कैलकुलेशन देखते हैं। देखो 11+9 कितना है, 11+9 20 है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बना नंबर 22 और 18, जिनका सम है 40 और डिफरेंस है 4, ओके। तो ये है मेरा आंसर 11:9। अगर इसको देखता हूँ मैं 11:7, 11+7 कितना है 18, ठीक है, 11 × 2 = 22, 7 × 2 = 14, 22 + 14 कितना है 36, 21:19, ये भी पॉसिबल था, लेकिन 21:19, 21+19 40 है, लेकिन 21 − 19 2 है, डिफरेंस इसका 4 नहीं, 22:9, तो किसी भी हाल में आंसर नहीं होगा। ये इसका हो गया ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का तरीका, लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो इसमें क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन जो है सेकंड वाला, इसमें लिखते हैं a = b + 4, ये जो a का वैल्यू आया ये पुट करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो b + 4 + b = 40, b + b कितना हुआ मेरा 2b, 2b + 4 कितना हुआ 40, किसको 4 ऐड करके 40 मिलेगा 36 को, तो 2b हुआ 40 − 4 = 36, इसलिए b हुआ 18, तो ए हुआ मेरा 22, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2800 is 2/7% of the value of a house. The worth of the house in rupees is. ये मेरा हाउस है. ओके okay. इस हाउस का ये वैल्यू है. इसका 2/7 है 2800. ओके तो 2/7 ऑफ परसेंट, 2/7%, 2/7% ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 2800. ओके तो 2/7% मतलब 1/100 इंटू वैल्यू इज 2800. तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 2800 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 2, 2 14 जा 14, 7 जा 98 और 4 जीरोज बच गए तो 980,000 हो गया मेरा आंसर. The ratio of the cost price and selling price of an article is 4:5. The profit percent is. तो अगर मुझे profit percent निकालना है तो मुझे CP के साथ ही compare करना है तो मैं लिखूंगा SP CP profit. Okay? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं. SP है 5 तो CP है 4 तो profit है 1. Okay? तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट और सीपी को कंपेयर करना है. प्रॉफिट एंड सीपी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो प्रॉफिट है 1 जब सीपी है 4. प्रॉफिट है कितना जब सीपी है 100. क्वेश्चन मार्क इज 1 × 100/4 विच इज 25%. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 9 and 12. फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा उसने. ये कैसा है कॉन्सेप्ट, 4:9:12 सम फोर्थ प्रोपोर्शनल एफ. मतलब 4/9 क्या है, 12/f. 4 का क्या हुआ 12 मल्टीप्लाइड बाय 3. 9 का क्या बनेगा 27. दिस इज द आंसर. इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी इज 85. ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180. तो ये ए है ये बी है, इन दोनों का सम कितना है 85. लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180. ठीक है तो a प्लस बी कितना दिया है उसने 85. 85 प्लस सी इज 180. सो व्हाट इज एंगल सी, 180 माइनस 85 95. तो c मिल गया मेरे को 95. b प्लस सी इज 160. b प्लस सी कितना है 160, लेकिन सी है मेरा 95. तो बी कितना हुआ 160 माइनस 95 65. तो बी हुआ 65. तो अभी ए कितना हुआ, ठीक है. तो उसने दिया है ए प्लस बी 85 है. ए प्लस बी 85 है तो एंगल ए प्लस 65 इज 85. तो ए को निकालते हैं 85 माइनस 65 विच इज 20. ये बना मेरा 20. ठीक है तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी 20 and 65. ये वाला आंसर, ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वन एज इज 5 सेंटीमीटर्स. क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब. फाइंड टू फाइव इंटू फाइव, फाइव का क्यूब कितना होता है 125. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + 4x + 5x. तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत सिंपल काम करना है आपको, एक्स को लो आप बनाना. मेरे पास 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, 7 + 5 = 12 बनाना है. उसमें से 8 बनाना मैंने खा लिए तो 4 बनाना बचे. फाइंड अ नंबर 1/3 ऑफ विच एक्सीड्स इट्स 1/4 by 3. कोई तो एक नंबर है उसका 1/3 उसके 1/4 से बड़ा है 3 से. तो ऑब्वियसली ये नंबर 12 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 12 के मल्टीपल वाला ऑप्शन सिर्फ ये है,
इसलिए ये आंसर है. क्यों? देखो चेक करके, 1/3 ऑफ 36 कितना है? 12. 1/4 ऑफ 36 कितना है? 9. 12 माइनस 9 3. ओके नेक्स्ट. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 क्विंटल्स ऑफ वीट एट रुपीज 130 पर क्विंटल. एक क्विंटल का कॉस्ट कितना है? रुपीज 130. तो एक क्विंटल का कॉस्ट रुपीज 130. तो 250 क्विंटल्स का कॉस्ट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क इज 250 इंटू 130 अपॉन 1. तो ये करना है अपने को 25 इंटू 13. 13 फाइव ज़ा 65, 13 टू ज़ा 26, 32, 325 के ऊपर 20. 325 के ऊपर 20. नेक्स्ट, 4.8 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 3.6 प्लस 5.4 ऑफ 1/9 माइनस 1/5 इज इक्वल टू. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कैलकुलेशन ओरिएंटेड. देखो इसको, 4.8 कितना है? 48/10 इंटू 18/10 डिवाइडेड बाय 1/3.6 प्लस 54/10 ऑफ 1/9 माइनस 1/5. तो ये बना 48/10 इंटू 18/10 इंटू 10/36 प्लस 54/10 इंटू 1/9 माइनस 1/5. अभी इसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये कट गया, 18 वन जा 18 टू जा. तो ये बना 48/10 इंटू हाफ प्लस 9 6 जा 54 6/10 माइनस 2/10. ये 1/5 को मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया 2/10. तो ये बना 224 जा. तो ये क्या बना मेरा अभी? 24/10 प्लस 6/10 माइनस 2/10. 24 प्लस 6 30, 30 माइनस 2 28, 28/10 आंसर इज 2.8. 31st, इफ a इज टू b इज 1:3 एंड b इज टू c इज 5:7 देन a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू. मैंने बताया था पिछले वाले वीडियोस में कि जब हमें ऐसे दो प्रपोर्शन, दो रेशोज दिए हैं और तीनों का प्रपोर्शन निकालना है, तो इसका जो ये नंबर है और इसका जो ये नंबर है ये सेम करते हैं अपन. मतलब 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं. 3 को 5 बनाते हैं 15. तो 3 को 15 बनाया तो 1 बनेगा 5. ये बना 5:15. 5 को 15 बनाया तो ये बना है 15, ये बना 21. तो a इज टू b इज टू c क्या होगा? 5:15:21. ये ऑप्शन है मेरा. विच ग्रेटेस्ट होल नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लीविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली. मतलब ये मेरा नंबर है डिविडेंड 3026 एंड 5053. इसको एक नंबर डिवाइड करता है n और रिमाइंडर क्या छोड़ता है? ये रिमाइंडर छोड़ेगा 3026 माइनस 11, 3026 माइनस 11 5 1 3015. ये रिमाइंडर 11 छोड़ेगा तो ये बनेगा आफ्टर रिमाइंडर 11 3015 और ये रिमाइंडर दे रहा है 13 तो ये बनेगा 5040. ठीक है. नाउ विच ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब बेसिकली जब मैं इसको इस नंबर से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मुझे ये रिमाइंडर मिलता है. तो इसका लॉजिक ऐसा है, जब मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1, क्योंकि 7 माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3. ओके
फाइन, तो इसका मतलब 3026 माइनस 11 ये एन का मल्टीपल है, 5053 माइनस 13 ये एन का मल्टीपल है, ठीक। तो अभी इसका मुझे निकालना है एचसीएफ, तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो मैं डिवीजन करके प्रैक्टिकली निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो देखो 60 के टेबल में 3015 नहीं आएगा, 30 के टेबल में नहीं आएगा, ओके, 15 के टेबल में आ सकता है, लेकिन 45 के टेबल में आ सकता है क्या, ये हम देखते हैं। तो 3015 डिवाइडेड बाय 45 करते हैं सपोज, ओके, या फिर एक्चुअल एचसीएफ निकाल देते हैं, 3015 को 5040 को 3015 से डिवाइड करते हैं, 1 3015, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2 2025, ओके, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2, ओके, 3015, 1 2025, 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 2 9, ओके, 2025, 3015, 011 2025 1090, ओके, 990, 11 माइनस 2 9, दिस इज 990, 5, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 2 11, 2025 प्लस 990, 5, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10, 3 बराबर, ये करेक्ट, 2025, 992 सा 99, 2 सा 198, तो ये बना 1980, 5, 12 माइनस 8, 4, 45 एंड 990, तो 45 990 में जाएगा ऑब्वियसली, 45 2 सा 90, 45, तो लास्ट डिवाइजर विच गिव्स रिमाइंडर 0, 45 टू जा 90, ये 0 इज द एच सी एफ, तो ये है आंसर, ठीक है। द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द एलसीएम इज 693, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 77, फाइंड द अदर नंबर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, एलसीएम कितना है 693, एचसीएफ कितना है 11, एक नंबर है 77, दूसरा क्या, ये 3 1 3, 3 में एंड होने वाला नंबर चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 में एंड होना चाहिए, ओके, तो 77 को अगर 88 से मल्टीप्लाई 3 से नहीं, 0 से 0, यही आंसर होगा 99, कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 693 इंटू 11 अपॉन 77, 11 7 जा 77, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 1 डजन बुक्स कॉस्ट रुपीज 36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स, 12 नोटबुक का कॉस्ट कितना है 36, 8 नोटबुक का कॉस्ट कितना, क्वेश्चन मार्क इज 8 इंटू 36 अपॉन 12, 12 3 जा 24, The average weight of 8 boys in a class is 30 kg. तो E क्या है? Total weight of 8 boys. Total weight of 8 boys. तो E by 8 मतलब average weight of 8 boys. कितना है मेरा E by 8? 30, तो E कितना है 30 इंटू 8 240 kg, टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज 240, अनदर बॉय ज्वाइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज वाज फाउंड टू बी 28.5, तो E प्लस बी, जहाँ पे B क्या है नए बॉय का वेट, E प्लस बी अपॉन 9, क्यों 9 बच्चे हो गए, कितना है ये 28.5, बराबर, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय, तो E प्लस बी कितना होगा 28.5
इंटू नाइन, तो 285 इंटू नाइन करते हैं, 9 5 45, 9 8 72, 76, 9 2 18, 25, तो ये बना 256.5, लेकिन E कितना है मेरा 240, 240 प्लस B इज 256.5, तो B क्या होगा 16.5, दिस इज द आंसर. लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy goes around a square field whose area is 2916 meter square. एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड है A और उसका एरिया A square is 2916. ओके, तो 2916 जो है ये 2500 से बड़ा है, बराबर. तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 50 से बड़ा होगा क्योंकि 2500 का स्क्वायर रूट 50 है. तो हम लोग ट्राई करते हैं 54 इंटू 54. 4 4 16 5 4 20 21 5 4 20 5 5 25 27 6 1 9 2. तो ये हो गया साइड ऑफ द दिस थिंग हो गया स्क्वायर 54. ही टेक्स फोर राउंड ऑफ द फील्ड. तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा. Distance covered in one round is equal to perimeter, which is 4 into side. कितने round लेगा वो 4 round. Therefore, distance covered in 4 rounds is equal to 4 into distance covered in one round, which is equal to 4 into 4 into 54. 4 4 is 16 into 54. तो अपने को सिर्फ फाइंड करना है 54 into 16. 16 4 is 64. 16 5 is 80. 864 है. क्या ऑप्शन देखते हैं. 864 पहला ही ऑप्शन था. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन. 20 बॉयज कुड कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. 10 बॉयज विल डू द सेम वर्क इन. देखो ये मैन डेज का क्वेश्चन है. मैन डेज 20 मैन 15 दिन. 20 इंटू 15 10. लोग कम हो गए, दिन बढ़ेंगे. डी डेज, ये 10 इंटू डी. ये दोनों को इक्वेट करना है. 20 इंटू 15 इज 10 इंटू डी. ओके, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे. 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 10. 10 वन जा 10 टू जा 15 टू जा 30. नेक्स्ट, विराट कोहली इज 15th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 90 एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2. व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग. ओके, विराट कोहली इन इज 15th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 90. तो एफ है उसका 14 innings. तो एफ बाय 14 है उसका एवरेज स्कोर ऑफ 14 इनिंग्स. एफ प्लस 90 है उसका टोटल स्कोर ऑफ 15 इनिंग्स. क्यों, 15 इनिंग में किसने, 15वें इनिंग में कितने बनाए 90 रन्स. एफ प्लस 90 अपॉन 15 क्या है उसका एवरेज स्कोर ऑफ 15 इनिंग्स. लेकिन वो कितना है उसका एवरेज स्कोर ऑफ 15 इनिंग्स. एफ प्लस 90 अपॉन 15 कितना है. पुराना जो एवरेज था एफ बाय 14 प्लस 2 से बढ़ गया ये. ओके फाइन, विराट कोहली इन इज 15th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 90 देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 2. व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग. तो अगर मुझे एफ मिल गया
तो मैं उसका 15th इनिंग के बाद वाला एवरेज एफ बाय 14 प्लस 2 करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, फाइन। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसको हम, ये 2 बाय 1 है, ओके। तो 15 इंटू 14, 15 इंटू 14, हम लोग क्या करते हैं इसको, दिस इज एफ प्लस 28 अपॉन 14, 14 इधर चला गया, राइट में एलसीएम ले लिया, इज एफ प्लस 90 अपॉन 15। तो 14 इंटू, भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 इंटू एफ प्लस 90 इज 15 इंटू एफ प्लस 28। तो 14 एफ प्लस 14 इंटू 90, 9 फोर 36 126 1260 इज 15 एफ प्लस 28 इंटू 15, 15 एट ज़ा 120, 15 टू ज़ा 30 420, ठीक है, प्लस 420। तो ये 14F को यहाँ लेके जाते हैं, तो 15F माइनस 14F इज इक्वल टू 1260 माइनस 420 विच इज 840। तो F है उसका 840, ओके, तो F है 840, ओके। तो उसका 15 इनिंग्स के बाद वाला एवरेज कितना है, F बाय 14 प्लस 2, मतलब 840 अपॉन 14, 14 60 जा 840, 14 6 जा 84 प्लस 2, 60 प्लस 2, ये है आंसर 62। कन्वर्ट 14 केजी 7 HG एंड 80 ग्राम इनटू ग्राम्स। तो इसमें तीन पार्ट है, एक है 14 केजी विच इज 14 इंटू 1000 ग्राम्स, मतलब 14,000 ग्राम्स। दूसरा है 7 HG, मतलब 7 इंटू 100 ग्राम्स, तो ये बना मेरा 700 ग्राम। और तीसरा है 80 ग्राम्स, तो इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 14780 ग्राम, ये है मेरा आंसर, ओके। नेक्स्ट, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7281 इंटू 25 इंटू 36 इंटू 103, 1 इंटू 5 5, 5 6 30, 30 इंटू 3 0, आंसर आएगा 0, ओके। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फ्लोरिंग द रूम ऑफ साइज 3.24 मीटर इंटू 1.6 मीटर विल बी। ये एक बड़ा रूम है जिसका साइज है 324 सेंटीमीटर, क्यों, 3.24 मीटर मतलब 3.24 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, और उसका विड्थ है 160 सेंटीमीटर, 1.6 मीटर मतलब 1.6 इंटू 100, 160 सेंटीमीटर्स। तो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 324 इंटू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बिठाने हैं मुझे टाइल, कैसे टाइल, स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो स्क्वायर टाइल का साइज कितना है, 18 बाय 18, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना, 1, विच इज 18 बाय 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एन है नंबर ऑफ टाइल्स। तो एन इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इज एरिया ऑफ रूम। तो एन इंटू 18 इंटू 18 इज 324 इंटू 160। तो एन निकालने के लिए क्या होगा, 324 इंटू 160 अपॉन 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर है 324, देखो 18 इंटू 18, 8 8 64, 8 1 8 14, 18 4 2
तो 18 × 18 324 में चला गया, तो 160 बचा, तो आंसर इज 160। कितने टाइल लगेंगे? 160। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम 8 मीटर, 7 मीटर एंड 6 मीटर हाई। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी लेक्चर लिए उसमें फर्स्ट टाइम आया ये क्वेश्चन। ये 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये जो रूम है मेरा, इसका फ्रंट फेस है ABCD और बैक फेस है इसका PQRS। तो इसमें जो सबसे लंबा रॉड बैठेगा वो है PC, मतलब ये क्यूबॉइड का डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और इसका लेंथ होता है रूट ऑफ L² + B² + H²। क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? रूट ऑफ L² + B² + H², मतलब रूट ऑफ L क्या है मेरा 8, 64, B है 749 प्लस C 36। तो ये हो गया 100, 149, रूट ऑफ 149 मीटर्स। इतना होगा सबसे बड़ा रॉड। द रेशियो बिटवीन 50 सेकेंड एंड 3.5 आवर्स, 50 सेकेंड्स, 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। तो ये हो गए 210 मिनट, मतलब 210 × 60 सेकेंड। तो 50/210 × 60, तो ये हो गया 50/21 × 6 × 100, 51 ज़ा 52 ज़ा, तो 1/6 × 21, 6 × 12, 21 × 12, 12 × 12, 12 × 12, 22 × 24, 252, तो ये बन गया आंसर 1:252। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज SP CP प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट परसेंट कभी भी CP के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। अगर CP रखते हैं 100, तो SP कितना है 3/2 ऑफ 100, मतलब 250 ज़ा 150। ठीक है, तो SP 150 है, CP 100 है, प्रॉफिट 50 है। ओके, प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट और CP का टेबल बनाते हैं। प्रॉफिट 50 है तो CP 100। ओके फाइन फाइन, इस क्वेश्चन का तो CP 100 है तो प्रॉफिट कितना क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रॉफिट परसेंट ही निकाल, तो 50 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100 मतलब 50%, ये है आंसर। A and B can do a work in 12 days, B alone in 44 days, and how many days will A alone do it? ये alone वाला question है, A. Days to complete the work alone. Work completed इन वन डे। ठीक है, ए कितना काम डेज लग रहा है ए को नहीं पता, वर्क इन वन डे 1/D। बी को कितने दिन लग रहे हैं 24 डेज। ठीक है, कितने दिन में काम कर, एक दिन में कितना काम करेगा 1/24। और जब ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12। तो 1/D + 1/24 = 1/12। तो 1/D क्या है 1/12 - 1/24, 1/12 क्या है 2/24 - 1/24 = 2 - 1/24। ओके, तो 1/D 1/24 है, तो D कितना है 24, तो इसका मतलब उसको कितने दिन लग रहे हैं 24 डेज। द पेरीमीटर्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 एंड 32। एक स्क्वायर है, स्क्वायर वन, पेरीमीटर कितना है उसका
40 सेंटीमीटर्स। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, 4 into side, तो साइड कितना है फर्स्ट स्क्वायर का, 10 सेंटीमीटर। दूसरा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना है, 32 सेंटीमीटर, जो है 4 into side, तो साइड है 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना है, डिफरेंस बिटवीन द एरियाज, इसका एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस इन एरियाज कितना है, 100 minus 64, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? ओके, तो भी पहले वाला देखते हैं, 0.8 इंटू 1/10 इंटू 7 इंटू 1/5.6, तो यह है 8/10 इंटू 1/10 इंटू 7 इंटू 10/56। 7 8 56, 8 1 8, ये 10 कट गया, ये बचा 1/10, तो ए आंसर नहीं है। ठीक है, तो बी देखते हैं अभी, 0.8 इंटू 1/1 इंटू 7 इंटू 1/5.6, तो ये बना 8/10 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 10/56। 8 7 56, 7 1 7, 10 और 10 कैंसल, ये आंसर है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, 0.8 इंटू 1/10 इंटू 0.7 इंटू 1/5.6, 0.8 कितना है 8/10 इंटू 1/10 इंटू 7/10 इंटू 10/56, ये गया, ये 8 जमे गया, ये 8 जमे गया, बचा क्या 1/100, ये भी आंसर नहीं है। अभी इतना सब किया तो डी को क्यों छोड़े, डी भी कर लेते हैं। ठीक है, डी को ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं किया, 0.8 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 1/5.6। ओके, अभी ये 0.8 है 8/10 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 10/56, 7 8 56, 8 8 कैंसल, 10 और 10 कैंसल, तो डी भी आंसर है। तो ये आप बी लो या डी लो, आंसर सेम है। अच्छा हुआ डी कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेट इज 40 kg, इफ इट इज हाफ फिल्ड इट्स वेट इज 30 kg। ठीक है, द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल इज, ओके, तो जो एम्प्टी वेसल है उसका वेट लेते हैं हम W, तो जब उसमें फुल फिल्ड है वाटर, फुल्ली फिल्ड विथ वाटर, तो उसका वेट कितना है, एम्प्टी वेसल का वेट लेते हैं V, तो उसमें कितना है V प्लस W, वेयर W इज पूरा भरा हुआ पानी। जब हाफ फिल्ड विथ वाटर है तो उसमें पानी आधा है, तो V प्लस W बाय 2 बराबर। तो वेसल फुल ऑफ वाटर इज 30 kg, अगर पूरा पानी है तो 40 किलो है उसका वेट, अगर आधा पानी है तो 30 किलो है वेट। ओके, वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल इज, ठीक है, तो सपोज हम लोग इसमें से ऑप्शन के थ्रू ट्राई करते हैं। ओके, ऑप्शन के थ्रू ट्राई करते हैं, पहले 10 लेते हैं इसको, वेट ऑफ वेसल 10 लेते हैं, तो 10 प्लस W 40 है, तो W 30 होगा,
तो w बाय टू 15 होगा, तो 10 प्लस 15 25 होगा, जो नहीं है क्योंकि वेसल का वेट आधे पानी के साथ 30 किलो है, तो ये आंसर नहीं है। 20 वाला ट्राई करते हैं। अगर वेट ऑफ वेसल 20 किलो है, ठीक है, तो 20 प्लस w इज 40, मतलब w कितना हुआ 20, और 20 प्लस w बाई टू मतलब 10 है 30, तो ये मेरा आंसर है। खत्म खत्म हो गया क्वेश्चन। अ शॉपकीपर हैज चार्ज रुपीज 24 फॉर एवरी बॉटल ऑफ लिमका और रुपीज 660 फॉर एवरी कैरेट ऑफ 30 बॉटल्स। मतलब अगर एक क्रेट लिया, ये कैरेट नहीं ये क्रेट है, क्रेट में 30 बॉटल है, तो उसका कॉस्ट कितना है रुपीज 660, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉटल लिया तो उसका कॉस्ट है 24 अलग से, ठीक है। इफ जतिन वॉन्ट्स टू बाय 195 बॉटल्स, कितने बॉटल्स बाय करने हैं उसको 195, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे। तो जब 195 बॉटल्स बाय करने हैं तो वो क्रेट लेगा 30 वाले 6, क्योंकि 30 इंटू 6 180, ठीक है। तो 30 क्रेट, 30 वाले क्रेट लेगा 6, इसलिए भरेगा 660 इंटू 6 रुपीस। इसमें कितने मिलेंगे उसको 180 बॉटल्स, अभी बचे 15। 15 बॉटल खरीदेगा 24 के हिसाब से, तो ये होगा 15 बॉटल इंटू 24, ओके, इतने पैसे भरेगा। तो 66 इंटू 6, 6 जा 36, 6 जा 36, 3960 एंड 24 इंटू 15, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 360, 3960 प्लस 360, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 10 प्लस 3 13, 4 3 2 0, इतने पैसे भरेगा वो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज द फास्टेस्ट। अभी ये सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, किलोमीटर्स पर आर, तो इन सबको यूनिफॉर्म इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग सबको, सपोज मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर पर आर इज 5/18 मीटर्स पर सेकंड। तो ये तो 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके, 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो सी वाला देखते हैं, 90 किलोमीटर पर आर इज 90 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकंड, 18 फाइव जा 90, 5 फाइव जा 25, तो ये भी 25 मीटर्स पर सेकंड ही है। 1500 मीटर पर मिनट देखते हैं, 1500 मीटर पर 60 सेकंड्स, 0 गया, 6 टू जा 625 सा, ये भी 25 मीटर पर सेकंड है। तो ये 95 किलोमीटर पर आर ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा, क्यों, 90 किलोमीटर पर आर अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो 95 किलोमीटर पर आर उससे बड़ा ही होगा, तो ये फास्टेस्ट है। दिस इज द आंसर। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम माय सिटी, आई स्टार्टेड फ्रॉम माय सिटी एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आर 6 AM एंड रीच द डेस्टिनेशन 9:30 AM। टाइम कितना लगा मेरे को, टाइम कितना लगा 6 to 9:30, 3.5 hours, 3.5 hours मतलब 7/2 hours, ठीक है। स्पीड कितना है मेरा 42 किलोमीटर्स पर आवर, बट व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है स्पीड इंटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 इंटू 42, 221 जा 71 जा 7, 72 जा 14, 147। नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 years 4 months, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है। अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, पी आर टी आई, आई कितना है 252 रुपीज, टाइम कितना है 2 years 4 months मतलब 2 1/3 year, क्यों, 4 महीने मतलब 1/3 ऑफ ए ईयर, 3 to 6 plus 1 7/3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपीज़,
तो मेरा I का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. तो 252 इज इक्वल टू पी कितना है 1600 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 0000. तो ये क्या बना 16 इंटू आर इंटू 7 अपॉन 3 इज 252. तो आर को एक साइड रखना है तो बाकी सब नंबर को दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखेगा 252 इंटू 3 अपॉन 16 इंटू 7. 7 3 जा 21, 7 6 जा 42. 7 3 जा 21, 7 6 जा 42. 4 4 जा 16, 4 9 जा 36. तो 27 बाय 4 मतलब 4 6 जा 6, 3 बाय 4 परसेंट पर एनम. ये आंसर. नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5 एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज. ठीक है, तो जो भी स्क्वायर होता है उसका डायगोनल कितना होता है, साइड रूट टू, साइड मल्टीप्लाइड बाय रूट टू. ठीक है, तो स्क्वायर वन का डायगोनल कितना है, स्क्वायर वन का डायगोनल कितना होगा, उसका साइड ए इंटू रूट टू. और स्क्वायर टू का डायगोनल कितना होगा, उसका साइड बी इंटू रूट टू, जहाँ पे ए क्या है साइड ऑफ स्क्वायर वन और बी क्या है साइड ऑफ स्क्वायर टू. तो ये डायगोनल्स का जो रेशियो है ए रूट टू, ए रूट टू अपॉन बी रूट टू, ये है 2:5. तो ये तो हो गया साइड का रेशियो ए इज टू बी. तो मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी देगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज 2/5 इंटू 2/5 विच इज 4/25. दिस इज द आंसर. ओके फाइन. इफ रुपीज 80 इज डिवाइडेड टू पार्ट्स इन द रेशियो 3:5 डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्ट्स इज. तो कितने पार्ट्स बनाए 80 के, 8, 3+5 8. तो एक पार्ट कितना बना 80 डिवाइड बाय 8, 10 पार्ट्स का. तो तीन वाला पार्ट कितना है 30, पांच वाला पार्ट कितना है 50, दोनों में डिफरेंस कितना है 20. द ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ओ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वाई. प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ओ, देखो फाइ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7. कैसे लिखते हैं 7-5. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड ओ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब ये माइनस में आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से. तो ये होगा आंसर, पी एंड वाई का प्रोडक्ट माइनस ओ एक्स और ओ का प्रोडक्ट. मेजर ऑफ द एंगल वाई इन द गिवन फिगर. ये दोनों एंगल कैसे हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. क्यों, क्योंकि दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. तो वाई प्लस 110 कितना है 180. क्यों, स्ट्रेट एंगल 180 होता है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर एड अप टू 180. तो y कितना होगा 70. ओके, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 37.3, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 37.3, 180.0, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 3 4, 142.7. A train crosses 1 kilometer long bridge in 2 minutes. The length of a train is half of the bridge. Then find the speed of the train. When a train crosses a bridge, it covers a distance equal to its length plus length of the bridge. Okay, when a train crosses a bridge, it covers a distance equal to its length plus length of the bridge. कैसे, सपोज ये मेरा ब्रिज है लाल वाला, ए बी ब्रिज है. तो मेरा ट्रेन आ रहा है, ये इंजन है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है ट्रेन का. तो पहले ई ए पे आएगा, ठीक है, फिर ई बी पे जाएगा,
और फिर एल बी पे जाएगा, तब मैं कहूंगा कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया। तो ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करते वक्त इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ। ओके, सेम फॉर प्लेटफॉर्म। ओके, अ ट्रेन क्रॉसेस अ 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। अभी ये सब किलोमीटर पर आर में ऑप्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, उसको किलोमीटर पर आर में बाद में कवर कर सकते हैं। तो ब्रिज का लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, ये ब्रिज का लेंथ हो गया। अभी ट्रेन का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज हाफ ऑफ द ब्रिज, 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 1500 मीटर। टाइम कितना लगा उसको, 2 मिनट मतलब 2 × 60 सेकेंड्स। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1500 × 2 × 60, ये जीरो गया, जीरो गया, 150 × 2 × 6, ओके, मीटर पर सेकेंड। अभी मैं इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया बताता हूँ, क्योंकि किलोमीटर आर पर आर में निकालना है। तो 1 किलोमीटर पर आर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 150 × 2 × 6 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर पर आर होगा। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 × 150 / 2 × 6 डिवाइड बाय 5/18 मतलब × 18/5, 6 × 3 = 18, 5 × 30 = 150, 2 × 15 = 15, 3 = 45, 45 km/h है ऑप्शन। यस, इफ 21 cows ईट एज मच एज 35 oxen, हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 25 oxen। मतलब अगर मेरे पास 21 cows है तो वो इक्विवेलेंट है 35 oxen को, बराबर। तो अगर 25 cows है, ये cows बढ़ गए, तो ये इक्विवेलेंट कितने का ऑक्सन को होंगे, तो ये होगा 25 × 35/21। ओके, फाइन। अभी 21 × 7 = 7, 5 × 25 × 5, इसमें टेबल गलत हो गया। इफ 21 cows ईट एज मच एज 35 oxen, हाउ मेनी काउज विल ईट एज मच एज 25 oxen, मेरे को काउज निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज 21 × 25/35, 7 × 5 = 7, 3 × 5 = 5, 3 हो गया 15, आंसर इज 15, ठीक है। वेट ऑफ एप्पल कंप्राइज 70% ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन 120 kg ऑफ एप्पल इज 1 किलो, या कितना भी एप्पल रहा तो उसमें 70% वाटर है, तो 120 kg एप्पल में कितना होगा, 75% ऑफ 120, विच इज 75 × 1/100 × 120, 0 0 गया, ठीक है, या फिर नहीं काटते इसको, 120, 25 × 3 = 25, 4 × 4, 3 × 30 × 3 = 90, ये आंसर। विच इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2 3/5, देखो मिक्स फ्रैक्शन 2 + 3/5, विच इज 2 + 6/10, विच इज 2 + 0.6, विच इज 2.6, दिस इज द आंसर। The population of districts is 5 lakh. If increases 1/1.2% every year, what is the population after 1 year? एक साल के, एक साल में increase कितना हो रहा है, 1.2% of 5 lakhs. तो ये हुआ 12/10 × तो ये 0 0 गया, 5 × 12 = 60. तो 5,06,000, दिस इज द आंसर। 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, हाउ मेनी मोर मैन वुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन 2 days। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैंडेज का क्वेश्चन विद अ ट्विस्ट, मैंडेज ओके, देखो
पांच मैन काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो काम है 5 × 10 मैन डेज का, तो कितने मैन लगेंगे 2 दिन में खत्म करने के लिए? तो ये एम है, कितने मैन, एम इंटू टू, तो एम इंटू टू जो है वो है 5 × 10, तो एम है 5 × 10/2, 25 का मतलब 25, तो 25 मैन कंप्लीट करेंगे 2 दिन में। लेकिन पूछा क्या उसने, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने एक्स्ट्रा मैन लगेंगे, 20। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 180 मीटर, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 × साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 × साइड विच इज 180, तो 4a इज 180, तो a कितना हुआ, 180/4 विच इज 45, ठीक है। तो उसका एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा, 45 का स्क्वायर, 45 × 4, ये 5 में एंड होगा, इसमें 5 में एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, देयरफॉर दिस इज द आंसर, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। अ बाइक रनिंग विद 72 km/h, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बाइक टू क्रॉस 120 m ब्रिज, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1 km/h इज 5/18 m/s, तो 72 km/h इज 72 × 5/18 m/s, 20 m/s है उसका स्पीड, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है 20, 6 कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 3 इज 1.50, 1.50/3 विच इज 150/300, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, आंसर इज 1/2। अ 360 meter लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 36 km/h, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ट्रेन, ओके, अ 360 meter लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 36 km/h, स्पीड कितना है उसका, 36 km/h, 1 km/h कितना है, 1 km/h कितना है, 5/18 m/s, तो 36 km/h कितना है, 36 × 5/18 m/s, 18 × 2 मतलब 10 m/s, ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा है, हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस अ पोल करते हैं इसको, पोल, क्योंकि वो जब पोल को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इट कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स लेंथ, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 360 meters, कितने टाइम में नहीं पता, लेकिन स्पीड कितना है उसका, 10 m/s, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 360/10, टाइम लग रहा है 360/10 मतलब 36 seconds, इतना टाइम लग रहा है उसको। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 93 runs इन द 17th innings एंड दस इंक्रीजेस एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th inning, ओके, सपोज आर इज रन्स स्कोर्ड इन 16 innings, ठीक है, तो आर बाय 16 इज इक्वल टू एवरेज of 16 innings, ओके, तो r plus 93 is runs scored in 17 innings,
तो आर प्लस 93 अपॉन 17 इज एवरेज ऑफ 17 इनिंग्स। ओके, तो इसका एवरेज 3 से बढ़ता है, तो आर प्लस 93 अपॉन 17 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स प्लस 3, मतलब आर बाय 16 प्लस 3 प्लस 3। एवरेज आफ्टर 70 इनिंग चाहिए उसको, तो अभी इसको देखो, आर प्लस 93 अपॉन 17 इज आर प्लस 16, 3 इज 48 अपॉन 16। अभी देखो 16 इंटू आर प्लस 93 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज 17 इंटू आर प्लस 48, तो 16 आर प्लस 93 इंटू 16, 6 3 जा 18, 9 6 जा 54, 55, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 8 8 14, 1 4 डबल 8 इज 17 आर प्लस 48 इंटू 17, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, 33, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 6 11 8 प्लस 8 1 6। तो इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, तो 17 आर माइनस 16 आर इज इक्वल टू 1488 माइनस 816, 8 माइनस 6 टू 76, 672 इज आर। तो अभी पूछा क्या है उसने, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो ये है एवरेज आफ्टर 17, आर बाय 16 प्लस 3, 672 अपॉन 16, 4 जा 64, 32, 16 2 जा 32, तो ये 42 है, 42 प्लस 3 45 आएगा आंसर। ओके, अब बस कवर 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 30 मिनट्स, तो ये कवर कर रहा है 60 किलोमीटर इन 120 मिनट्स। क्यों 120 मिनट्स, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, ठीक है, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्वेश्चन मार्क इज 60 इंटू 30 अपॉन 120, 0 0 गया, 3 4 जा 4 15 जा, कितना कवर करेगा, 15 किलोमीटर। ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।